चुके हैं शिनचैन मूवी विलेन और धुरन की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर। तो भाइयों और बहनों, कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, तो चलिए चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी गन की मदद से एक्शन कमिन को पत्थर में बदल देता है। दरअसल एक्शन कमिन फ्यूचर का शिनचैन होता है। एक्शन कमिन पत्थर में बदलने से पहले एक लड़की की तरफ अपना एक गैजेट फेंकता है और कहता है कि उसे 5 साल का शिनचैन चाहिए। इतना कहकर एक्शन कमिन पत्थर में बदल जाता है। वो लड़की उस गैजेट को पकड़ कर समय में पीछे चली जाती है 5 साल के शिनचैन को लाने। सीन चेंज होता है और हमें शिनचैन का घर दिखाया जाता है। यहाँ शिनचैन की मोम हमेशा की तरह मासूम से शिनचैन का बाजा बजा रही थी। शिनचैन गुस्सा होकर घर से भाग जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन के सभी दोस्त एक दूसरे को बता रहे थे कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तभी वहाँ शिनचैन आ जाता है। ये सभी बात कर ही रहे थे तभी उस जगह पर रोशनी चमकती है। वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा, जो कि समय में पीछे आई थी 5 साल के शिनचैन को लाने। यहाँ वो लड़की शिनचैन को पहचान लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ फ्यूचर में चलना होगा। लेकिन शिनचैन के सभी दोस्त बोलते हैं कि तुम्हें किसी अनजान के साथ ऐसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो लड़की उन्हें बताती है कि मैं फ्यूचर के शिनचैन की दुल्हन हूँ और सभी हैरान हो जाते हैं। वो लड़की शिनचैन को चोको चिप्स का लालच देकर अपने साथ फ्यूचर में ले जाती है। वो लड़की शिनचैन को बताती है कि उसका नाम टामी है और वो शिनचैन को फ्यूचर के कासुकाबे शहर में ले जाती है। लेकिन इन्हीं के पीछे शिनचैन के फ्रेंड्स भी गलती से आ जाते हैं। टामी छोटे शिनचैन को बताती है कि बड़े शिनचैन को तुम्हारी जरूरत है। अगले ही सीन में हमें शिनचैन के फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि गलती से फ्यूचर में आ गए थे। वो हैरान थे। ये सभी एक बुक स्टोर में पहुंचते हैं। इन्हें उस स्टोर में फ्यूचर का मसाऊ मिलता है। छोटा मसाऊ अपने आप को देखकर दुखी होता है। मसाऊ को लगता था कि वो तो फ्यूचर में काफी अमीर होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। अगले ही सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि टामी का डैड था। वो टामी की शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहता था, लेकिन टामी शिनचैन से प्यार करती थी, जिसकी वजह से इसने शिनचैन को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया, जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ टामी और शिनचैन बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ 7 अजीब सी लड़कियाँ आ जाती हैं। दरअसल इन लड़कियों को टामी के डैड ने भेजा था टामी को पकड़ कर लाने के लिए, लेकिन टामी शिनचैन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि नैनी सबको बताती है कि वो तो फ्यूचर में बहुत अमीर होगी, उसका बहुत बड़ा घर होगा, लेकिन असलियत में तो फ्यूचर की नैनी स्कूल में झाड़ू मार रही थी और उसे देखकर छोटी नैनी भी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। ये सभी फ्रेंड्स जा ही रहे थे तभी इनके ऊपर से शिनचैन और टामी उड़कर जाते हैं, जिनके पीछे वही अजीब सी लड़कियां पड़ी थी। उनका पीछा छुड़वाकर ये सभी एक जगह पहुंचते हैं जहां पर टामी इन सभी बच्चों को बताती है कि शिनचैन की मुलाकात मुझसे कैसे हुई। दरअसल जब टामी ट्रेन में जा रही थी तब शिनचैन ने उसके लिए सीट छोड़ दी थी और खुद खड़ा हो गया था, लेकिन असलियत में तो शिनचैन बाहर खड़ी लड़कियों को देखने के लिए खड़ा हुआ था। टामी जब उदास थी तो शिनचैन उसके पास आकर चुपचाप बैठ गया था, लेकिन असलियत में तो शिनचैन वहाँ सो रहा था और टामी को लगा कि वो तो मेरा अच्छा दोस्त है। टामी कहती है, कुछ भी हो, शिनचैन जब भी मेरे साथ होता है तो मुझे अच्छा महसूस होता है। उसी वक्त वहाँ वही अजीब सी लड़की आ जाती है। शिनचैन उन्हें बेवकूफ बनाकर वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे टामी भी आती है। शिनचैन उसे बोलता है कि वो तंग हो गया है, वो अब अकेला रहना चाहता है। टामी सोचती है कि ये तो बच्चा है, गुस्सा खत्म होने पर वापस आ जाएगा। शिनचैन पीछे घूमता है तो उसे टामी नहीं मिलती। उसे लगता है कि वो कहीं चली गई होगी, लेकिन उसे तो उस रोबोट ने पकड़ लिया। उसके बाद शिनचैन अपने फ्यूचर के घर पहुंचता है। उसे वहां शिरो और उसके बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, जिसके बाद शिनचैन के फ्यूचर के मोम डैड भी बाहर आ जाते हैं। मित्सी बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी और हिरोशी गंजा हो गया था। घर में आते ही शिनचैन और उसके फ्रेंड्स बहुत सारा खाना खाते हैं। शिनचैन के डैड बताते हैं कि अब पूरे टोक्यो पर कानियारी का राज है। कानियारी टामी के डैड हैं, जिन्हें हमने पहले देखा था। शिनचैन के डैड आगे भी बोलते हैं कि एक दिन अचानक से बहुत सारे मीटियोराइट धरती पर गिर गए, जिससे पूरा कासुकाबे तहस नहस हो गया और उसी दिन से अंधेरा रहने लगा। कानियारी ने उन हालातों का फायदा उठाया और प्रेसिडेंट बन गया। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि कानियारी
टामी का रिश्ता जबरदस्ती फ्यूचर के कजामा के साथ तय करता है। टामी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। कानियारी टीवी पर भी अनाउंस कर देता है कि उसकी बेटी की शादी कजामा से हो रही है। यहां दिखाया जाता है कि कानियारी टामी को धमकी देता है कि अगर वो कजामा से शादी नहीं करेगी तो वो पत्थर में बदल चुके शिनचैन को खत्म कर देगा। मजबूरन टामी को शादी करनी पड़ती है। जिस होटल में टामी की शादी हो रही थी उसमें सिर्फ अमीर लोगों को आने की इजाजत थी और इसी वजह से शिनचैन के मोम डैड और उसके फ्रेंड्स प्लान बनाकर होटल में आ जाते हैं। शिनचैन भागकर टामी के पास जाता है लेकिन वो उसे मना कर देती है क्योंकि उसके डैड ने उसे धमकी दी थी, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो वो फ्यूचर के शिनचैन को खत्म कर देगा जो कि पत्थर में बदल चुका था। लेकिन छोटा शिनचैन नहीं मानता और लोगों के ऊपर से ही टामी के पास आ जाता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ वही अजीब सी लड़की आ जाती हैं, जो कि शिनचैन के ऊपर बॉम्ब से हमला करती हैं। यहाँ फ्यूचर का मसाऊ टीवी पर अपने आप को ही देख रहा था। वो कहता है, अरे ये तो मैं हूँ। फ्यूचर के नैनी और बो भी अपने आप को टीवी पर देख रहे थे। वो साइंटिस्ट बन चुका था। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग भागने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर तो लड़ाई होने लगी थी। टामी उस पल को याद करती है जब फ्यूचर का शिनचैन पत्थर में बदल रहा था और उसने कहा था कि उसे 5 साल का शिनचैन नवारा चाहिए। टामी अपने डैड का हाथ छुड़वाकर शिनचैन की मूर्ति के पास भागती है लेकिन कानियारी शिनचैन की मूर्ति को बॉम्ब से उड़ा देता है। वो मूर्ति फ्यूचर का शिनचैन था। टामी उदास हो जाती है क्योंकि शिनचैन अब नहीं रहा। कानियारी अपने खतरनाक रोबोट से वो छोटे शिनचैन को भी खत्म करना चाहता था। उसी वक्त शिनचैन रोबोट की आंख पर बैठ जाता है जिसकी वजह से रोबोट कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ी देर के लिए नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर फ्यूचर का बो आ जाता है। वो कहता है कि अभी शिनचैन जिंदा है लेकिन सभी कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने शिनचैन को खत्म होते देखा है, वो नहीं रहा। वो कहता है कि ओबाका पावर के सिग्नल अब भी आ रहे हैं। ओबाका पावर खास लोगों के पास होती है जो कि शिनचैन के अंदर भी होती है और उस पावर के सिग्नल अब भी आ रहे थे। इसका मतलब शिनचैन जिंदा था। वो सामने लगे कैमरे की मदद से उस सीन को दोबारा देखता है जहाँ पर शिनचैन की मूर्ति को कान्यारी ने बॉम्ब से उड़ा दिया था। वो सीन को पीछे से देखता है। इन सबको पता चलता है कि जैसे ही बॉम्ब फटा उसी पल शिनचैन की मूर्ति नीचे गिरकर एक ट्रक पर गिर गई। ये जानकर सभी फिर से खुश हो जाते हैं। यहाँ हम जान पाते हैं जब शिनचैन ऊपर जा रहा था तब उसका पैर एक रस्सी पर पड़ा था। वो रस्सी शिनचैन की मूर्ति से जुड़ी थी और शिनचैन के पैर पड़ने की वजह से मूर्ति बॉम्ब से बचकर नीचे गिर गई। ये सभी उस ट्रक का पीछा करने जाते हैं लेकिन कान्यारी अपने रोबोट से फिर से बॉम्ब फेंकने लगता है। धमाके से एक दीवार का टुकड़ा शिनचैन के मोम डैड के ऊपर गिरने लगता है लेकिन तभी वहां पर फ्यूचर की हिमावारी आ जाती है और मोम डैड को बचा लेती है। हिमावारी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। कान्यारी मसाऊ के ऊपर रोबोट से पैर रखने वाला था लेकिन तभी वहां पर अपनी स्कूल बस आ जाती है और वो रोबोट को टक्कर मारकर गिरा देते हैं। स्कूल बस में फ्यूचर के मसाऊ और नैनी थे, वो सबसे मिलते हैं। तभी कान्यारी का रोबोट खड़ा हो जाता है लेकिन इस बार वो अपने रोबोट को बुला लेता है और कान्यारी के रोबोट से लड़ाई करता है। कान्यारी सबको बताता है कि शिनचैन की मूर्ति एक रोलर कोस्टर के ऊपर है और वो रोलर कोस्टर टूटी हुई पटरी की तरफ बढ़ रहा है और उस टूटी हुई पटरी से गिरकर शिनचैन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसे गिरने से बचाने के लिए टामी और छोटा शिनचैन जाते हैं। यहाँ सभी बो के रोबोट में चले जाते हैं और वो कान्यारी के रोबोट के साथ लड़ता है। यहाँ टामी और शिनचैन उस रोलर कोस्टर पर पहुंच जाते हैं लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी फ्यूचर का शिनचैन नहीं उठता। टामी छोटे शिनचैन को बोलती है कि कुछ देर बाद रोलर कोस्टर नीचे गिर जाएगा और हम बच नहीं पाएंगे। इसी वजह से टामी छोटे शिनचैन को एक बिल्डिंग पर फेंक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि छोटे शिनचैन को कुछ हो। लेकिन शिनचैन रोलर कोस्टर से चिपक जाता है और टामी उसे दोबारा ऊपर खींच लेती है। लेकिन पत्थर में बदल चुका शिनचैन अब भी अपने असली रूप में नहीं आया था। अगर कुछ देर बाद भी वो नहीं उठा तो ये तीनों गिरकर खत्म हो जाएंगे। यहाँ वो अपने गैजेट में देखकर बताता है कि ओबाका पावर बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो का गैजेट ही टूट जाता है। ओबाका पावर के बढ़ने का मतलब शिनचैन ठीक होने वाला है। शिनचैन की मूर्ति अपनी उंगलियां हिलाने लगती है और देखते ही देखते शिनचैन ठीक होकर उठ जाता है। लेकिन कान्यारी हंसते हुए कहता है कि रोलर कोस्टर तेजी से नीचे गिरने वाला है। वो कहता है
कि अब शिनचैन खत्म हो जाएगा। लेकिन हिरोशी कहता है कि साथ ही तुम्हारी बेटी भी तो खत्म हो जाएगी, और ये सुनकर कानेयारी थोड़ा सोचने बैठ जाता है। लेकिन उसी वक्त बो का रोबोट कानेयारी के रोबोट को हरा देता है। रोलर कोस्टर नीचे गिर जाता है, लेकिन बो का रोबोट इन तीनों को बचा लेता है। बड़ा शिनचैन छोटे शिनचैन को बोलता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था ताकि हम दोनों अपनी उबाका पावर से धरती को फिर से रोशन कर दें। ये दोनों अपनी उबाका पावर को एक गैजेट की मदद से आसमान में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से काले बादल जाने लगते हैं हमेशा के लिए, और कासुकावे पहले जैसा हो जाता है। लोगों ने बहुत समय बाद धूप देखी थी। यहाँ कानेयारी आता है जो कि पूरा कंगाल और हार चुका था, और यहाँ पर हिमावारी कानेयारी को हथकड़ियाँ पहना देती है। इसका मतलब हिमावारी पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी। बड़ा शिनचैन छोटे शिनचैन को कहता है कि फ्यूचर तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा, जैसे जीना चाहो वैसे जियो, और इतना कहकर वो चला जाता है। शिनचैन और उसके दोस्त उस गैजेट से टाइम ट्रेवल कर अपने समय में आ जाते हैं, और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ये सब तो चले गए, अब मैं भी चलता हूँ, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, आऊंगा ऐसी मजेदार मूवी लेकर। तब तक के लिए बाय।